वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे बॉम्बे स्टाइल भाजी पाव। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम बॉम्बे स्टाइल से भाजी पाव बनाने वाले हैं, तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। इसके लिए मैंने ये कॉलीफ्लावर लिया है और 150 ग्राम जितना कॉलीफ्लावर लिया है। इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट के 2 से 3 बार अच्छे पानी से धो के स्ट्रेनर में लेके बाद में मैंने इसे प्लेट में ले लिया है। 100 ग्राम जितने फ्रेश मटर लिए हैं और इसको भी मैंने धो के बाद में इसे प्लेट में ले लिया है। 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं। आलू का मैंने छिलका निकाल के धो के बड़े टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। आधा मैंने नींबू लिया है, ये हम बाद में लास्ट में डालेंगे। 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसका मैंने छिलका निकाल के बारीक टुकड़ों में काट लिया है जिससे ये जल्दी से गल जाए। 2 छोटी सी मैंने प्याज ली है और इसका मैंने छिलका निकाल के बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबलस्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून जितना मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे। थोड़ी सी मैंने हींग ली है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 6 से 7 कली लहसुन की मैंने बारीक पेस्ट बना ली है। थोड़ा मैंने बटर लिया है करीब 2 टेबलस्पून जितना और तड़का लगाने के लिए हम तेल और बटर दोनों का यूज़ करेंगे तो मैंने तेल भी लिया है। 1 टेबलस्पून जितना मैंने पाव भाजी मसाला जो मार्केट में मिलता है वो लिया है और 1/2 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को बॉईल कर देंगे। तो इसमें हम कॉलीफ्लावर आलू और मटर को प्रेशर कुकर में लेके कुक कर लेंगे, बॉईल कर देंगे। तीनों मैंने प्रेशर कुकर में ले लिया है और जब तक सब्जी डूबे तब तक मैंने पानी डाल दिया है और प्रेशर कुकर बंद करके हम 3 विसल लगा के अच्छे से बॉईल कर देंगे। 3 विसल हो चुकी है तो अभी हम खोल के इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से मैश कर देंगे और इसे साइड में रख देते हैं। और अभी हम प्याज और टमाटर को तड़का लगा देते हैं। तो मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख ली है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए बाद में हम इसमें बटर भी डाल देंगे, करीब 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने बटर लिया है। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए बाद में हम इसमें हींग डाल देंगे। आपको बटर का टेस्ट पसंद ना हो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। हींग मैंने डाल दी है और अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे और अदरक और लहसुन की पेस्ट भी डाल देंगे। अभी गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से सौते करेंगे। पाव भाजी में बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तक हमारी प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हम इसे इस तरह से सौते करेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से सौते हो चुकी है तो अभी हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और इसको मैंने कंटिन्यूस हिलाया है जिससे अच्छे से सभी ओर से अच्छे से पक जाए। टमाटर भी मैंने डाल दिया है, टमाटर का मैंने छिलका निकाल के काटा है जिससे अच्छी ग्रेवी भी बनेगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी टमाटर और प्याज का मैंने नमक डाल दिया है जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए। और अभी मैं ढक्कन ढक के इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर काफी गल चुके हैं तो अभी हम इसे अच्छे से मैशर से मैश कर लेंगे जिससे टमाटर जल्दी से पक जाए। सॉफ्ट हो चुके हैं इसलिए आसानी से हम इसे मैश कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और फिर से ढक के हम इसे और पकाएंगे। करीब 2 से 3 मिनट में इसे और पकाती हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो तेल ऊपर आ चुका है तो मतलब हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। गैस की फ्लेम अभी मैंने
स्लो कर दी है, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, और गरम मसाला पाउडर, और जो मैंने पाव भाजी का मसाला लिया है वो भी मैंने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम टमाटर और प्याज के साथ सौते करेंगे, जिससे टमाटर और प्याज में अच्छे से इसकी फ्लेवर बैठ जाए। तो अभी मैं ढक्कन ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक मैं स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हो तेल ऊपर आ चुका है और हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अभी हमने जो बॉईल करके सब्जी ली है वो मैश करके रखी है वो हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने पहले टमाटर और प्याज का बाग का नमक डाला है, तो अभी हम इसमें जो सब्जी का बाग का नमक बाकी है वो भी डाल देंगे। और अभी मैंने इसमें आधा ग्लास जितना पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा और पानी डालेंगे। आपको जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी रखनी हो इसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हो, और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और अभी हम सब्जी के भाग का भी नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैं इसे स्लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी, जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी मैं ढक्कन ढक के इसे स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो आपको जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी रखनी हो इसी हिसाब से आप रख सकते हो। अभी 1-2 मिनट के लिए मैं इसे खुला पकाऊंगी। 1-2 मिनट के बाद हमारी पाव भाजी की भाजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और इसे साइड में ले लेते हैं। तो अभी हम पाव की तैयारी करते हैं। तो इसी सब मैंने भाजी पाव के जो ये पाव आते हैं ये लिए हैं, और इस तरह से मैं बीच में से काट लूंगी। और इस तरह से मैंने नॉनस्टिक की तवे गरम करने के लिए रख दी है। हम पाव को बटर से अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहो तो घी से भी कर सकते हो और तेल से भी कर सकते हो। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से बटर से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। आप चाहो तो बटर के साथ पाव भाजी का मसाला भी डाल सकते हो, इससे भी पाव की टेस्ट अच्छी आती है। तो दोनों साइड से हम अच्छे से इसे पका लेंगे, सेक लेंगे। तो अभी हमारी भाजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में ले लिया है और ऊपर से मैंने बटर डाला है और उसको बारीक कटी हुई प्याज के साथ सर्व किया है, और साथ में आप नींबू भी ले सकते हैं।